अब हम चलते हैं अपने क्षितिज के पाठ एक भ्रमर गीत के जो चारों जो पद हैं उनका अब हम अध्ययन करेंगे। और उन चारों पद में से पहले हम जो है इन दो पदों का अध्ययन करेंगे। और दो पदों में पहला जो पद है उसमें उद्धव जब योग संदेश लेकर के आते हैं और योग संदेश की बातें जब गोपियों को वो बता रहे होते हैं, तब जो है गोपियां उद्धव के व्यवहार को किस तरह से जो है वहां पे बताती हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना वो किस किस से करती हैं और अपना जो प्रेम है उसको वो किस तरह से अभिव्यक्त करती हैं, वो सारी बातें जो है इस पद में आई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसकी पंक्तियां। पहली पंक्ति देखिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि यहाँ पे गोपियां जो है वो उद्धव, उधो का मतलब है यहाँ पे उद्धव, उद्धव से कह रही है कि उद्धव तुम जो है वो बहुत ही भाग्यशाली हो। अब यहाँ पे उद्धव को वो जो है बहुत ही भाग्यशाली इसीलिए बता रही हैं क्योंकि वो जो है श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, यानी श्री कृष्ण से प्रेम जो है वो नहीं कर पाए, तो इसी को जो है उन्होंने भाग्यशाली कह करके बताया है। लेकिन वास्तव में वो जब उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं तो वो वास्तव में उन्हें भाग्यहीन ही कहना चाह रही है, अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के पास में इतने समय तक रहा और फिर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाया वह व्यक्ति भाग्यहीन ही होगा। तो इस तरह से वो भाग्यवान कह करके उनको उलाहना दे रही है, एक तरह से उनके ऊपर व्यंग कर रही है, ताना मार रही है यहाँ पे। तो देखिए उधो तुम हो अति बड़ भागी, यानी गोपियां कहती है कि उधो तुम जो है बहुत ही भाग्यशाली हो, और भाग्यशाली होने का वहां पे वो कारण भी बताती है कि अपरस रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है अछूता या अलिप्त, अर्थात तुम जो है श्री कृष्ण के पास में इतने समय तक रहे तो भी जो है तुम उनके प्रेम से अछूते ही रहे। यहाँ पे देखिए स्नेह तगा, यानी स्नेह तगा का मतलब होता है स्नेह रूपी धागा, तो तुम जो है अभी तक श्री कृष्ण के पास में रहने के बावजूद भी स्नेह रूपी धागे में नहीं बंध पाए, स्नेह रूपी धागे से तुम अछूते ही रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है अनुरागी हुआ, अर्थात तुम्हारा मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। नाहिन का मतलब नहीं और अनुरागी का मतलब होता है प्रेम करने वाला, तो ना ही जो है तुम श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े और ना ही तुम जो है स्नेह रूपी धागे में बंध पाए। आगे है पुरिनी पाद रहत जल भीतर तारस तेह न त्यागी, पुरिनी पाद रहत जल भीतर तारस देह ना त्यागी, अर्थात यहाँ पे पुरिनी पाद का मतलब होता है कमल के पत्ते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पुरिनी पाद अर्थात कमल का पत्ता। तो यहाँ पे जो है अब उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है उन्होंने गोपियों ने की है, और उद्धव के व्यवहार की तुलना करते हुए उन्होंने जो है दो उदाहरणों के माध्यम से उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। तो पहला जो उदाहरण है वो उन्होंने इसी तरह से दिया है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते रहत यानी कि रहते हैं जल भीतर यानी कि जल के भीतर, तारस देह न त्यागी, लेकिन फिर भी उनके देह, देह का मतलब यहाँ पे हो गए कमल के जो पत्ते हैं उनका जो भाग है ऊपरी भाग है वो, तो उस पर जो है कमल के पत्तों के ऊपर जो है एक भी दाग नहीं लग पाता है, यानी कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी और उनके ऊपर एक भी जल का जो दाग है वो नहीं लग पाता है, उसी तरह से तुम्हारा व्यवहार है, उसी तरह से तुम्हारा जो मन है जो श्री कृष्ण के पास में इतने समय तक रहने पर भी उनके प्रेम में नहीं लग पाया। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है जो जल माह तेल की गागरी बूंद ने ताको लादी, अर्थात जो यानी कि जैसे जल माह है मतलब जल के भीतर, तेल की गागरी का मतलब होता है तेल लगी हुई मटकी, कि जिस तरह से तेल लगी हुई मटकी को अगर पानी में डुबोया जाए और जब हम उसको वापस निकालते हैं तो उसका जो ऊपरी भाग है जिस पे तेल लगा हुआ होता है वो तेल लगे हुए होने के कारण ही उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है, तो बूंद ने ताको लागी अर्थात उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं लग पाती है, नहीं ठहर पाती है। उसी तरह से तुम्हारा व्यवहार है कि तुम श्री कृष्ण के पास में इतने समय तक रहे फिर भी तुम उनके प्रेम से अछूते ही रहे। फिर आगे है अब यहाँ पे जो है
इस पंक्ति के अंदर गोपियां जो है अपने प्रेम की जो भावना है उसको व्यक्त करते हुए यहाँ पे कहती हैं कि प्रीति नदी में पांव ने बोरियो दृष्टि ने रूप परागी, यानी कि तुमने जो है अभी तक प्रीति नदी यानी कि प्रेम रूपी नदी में पांव यानी कि पांव का मतलब होता है पैर, ने बोरियो का मतलब नहीं डुबोया, कि तुमने जो है अभी तक प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं रखा है, पैर ही नहीं डुबोया है, और दृष्टि ने रूप परागी और न ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप पर मोहित हुई है। परागी का मतलब है मोहित होना, तो ना तो तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर रखा है और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप पर मोहित हुई है, तो फिर तुम जो है हमारे प्रेम को कैसे समझ पाओगे। फिर आगे वो कह रहे हैं यहाँ पे, सूरदास अबला हम भोरी गुर चींटी जो पागी, यानी सूरदास जो है यहाँ पे कह रहे हैं अपने इस पद के अंदर कि गोपियां अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस तरह से कहती हैं कि अबला हम भोरी, यानी कि हम जो है अबला है, हम असहाय हैं, भोरी यानी कि हम जो है भोली हैं, और हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे गुड़ चींटी जो पागी, यानी कि गुड़ का मतलब है यहाँ पे गुड़, चींटी मतलब चींटी जैसा सब जानते हैं, पागी मतलब होता है लिपटना या चिपकना, कि जिस तरह से एक गुड़ से चिपकी हुई जो चींटी होती है वो उससे अलग नहीं होना चाहती है, क्यों? क्योंकि गुड़ उसे बहुत प्रिय होता है, बहुत अच्छा लगता है, और इसी कारण वो उससे अलग नहीं होना चाहती है। ठीक इसी प्रकार जो है हमारा मन है, हमारा मन भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं होना चाहता है, हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती है। तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपने प्रेम की जो भावना है, अपने मन की जो भावना है श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति वो व्यक्त की है। अब देखते हैं हम यहाँ पे शब्दार्थ, तो इस काव्यांश के जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को देख करके और आप ये जो काव्यांश है इस काव्यांश का भावार्थ आप भली भांति अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जब आप इन शब्दार्थ को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इनके अर्थ जब आपके माइंड में होंगे, आपके दिमाग में होंगे, तो आप आसानी से जो है इसका भावार्थ निकाल सकेंगे, और इसमें से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न यही बनता है कि वास्तव में जो है गोपियां उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यशाली कह करके क्या व्यंग्य कर रही हैं, तो यहाँ पे आप इस भावार्थ को समझ करके, इसके भावार्थ को समझ करके उसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि गोपियों ने जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है, तो यहाँ पे ये जो पंक्तियां हैं दोनों, इन पंक्तियों के अंदर पुरिनिपात और जो जलमा, ये जो दो पंक्तियां हैं इन दोनों पंक्तियों के अंदर इसका उत्तर आता है कि कमल के पत्ते से और तेल लगी हुई मटकी से। अब किस तरह से आगे जो है उसको थोड़ा सा आप विस्तार से थोड़ा सा आप उसका उत्तर देंगे। तो ये जो दोनों ही प्रश्न हैं ये पहले भी सीबीएसई एग्जाम में परीक्षा में आ चुके हैं, तो आप जो है इन दोनों का आंसर अच्छे से याद करेंगे। फिर आगे जो है हम बात करते हैं इनके शब्दार्थ की, शब्दार्थ में पहला है बड़भागी यानी भाग्यशाली, अपरस यानी कि अछूता या अलिप्त, तगा मतलब धागा, यानी कि जब हमने बात की थी यहाँ पे कि स्नेह तगा यानी कि प्रेम रूपी धागा, प्रेम रूपी जो धागा होता है उसके बंधन में तुम नहीं बन पाए, नाहिन यानी नहीं, पुरिनी पात यानी कि कमल का पत्ता, माह मतलब मैं, पाऊं मतलब पाऊं, बोरियो मतलब डुबोया, परागी मतलब मोहित हुई, और भोरी मतलब भोली, गुर मतलब गुड़, पागी मतलब लिपटी हुई। तो इस तरह से यहाँ पे हर काव्यांश के मैंने अलग से जो है इसके शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं ताकि आप काव्यांश को अच्छे से समझ सकें, उनके शब्दार्थ को अच्छे से समझ सकें और उसका भावार्थ आप निकाल सकें। अब हम बात करते हैं काव्यांश के पद नंबर 2 की, यानी पद नंबर जो दूसरा है सूरदास के भ्रमर गीत का, वो उसके अंदर किस बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि जिस तरह से उद्धव जब योग संदेश लेकर के आते हैं और वो उनको गोपियों को उद्धव योग संदेश की बातें बता रहे होते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि योग संदेश क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे तब जब हम उन काव्यांश को पढ़ेंगे, उन पदों को जब हम पढ़ेंगे। तो योग संदेश को मैं बता दूं कि योग संदेश जो होता है, जो उद्धव जो योग संदेश लेकर के आए थे उस योग संदेश से मतलब है, उस योग संदेश का
अर्थ है निर्गुण ब्रह्मा निर्गुण ईश्वर, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, आप ऐसे ईश्वर की आराधना कीजिए। तो श्री कृष्ण का जो योग संदेश है वो यही था कि आप मुझे भूल जाइए और निर्गुण ब्रह्मा यानी जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, आप उस ईश्वर की आराधना कीजिए। तो गोपियों ने जो है उनके योग संदेश को इसी कारण से नकार दिया था, क्योंकि वो जो सगुण जो श्री कृष्ण है, जिनका रूप है, जिनका आकार है, जिनसे वे प्रेम करती हैं, वो उनको भूल करके निर्गुण ब्रह्मा की आराधना नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण ही प्रिय हैं, श्री कृष्ण से वो प्रेम करती हैं। तो यहाँ पे योग संदेश का मतलब हो गया निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना। अब हम बात करते हैं पद नंबर 2 की। अब यहाँ पे गोपियां जो है श्री कृष्ण के चले जाने के कारण अपने जो मन की बात है वो किसी से भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके जो है बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी उनकी गहरी मित्रता थी श्री कृष्ण से, और अपने मन की बात जो है वो आसानी से श्री कृष्ण से कह पाती थी। लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो उनके मन की जो बातें हैं वो मन में ही रह जाती हैं, वो किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पा रही है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब यहाँ पे मैं, यानी कि गोपियां यहाँ पे कह रही हैं उद्धव से कि हमारी जो मन की जो बात है वो हमारे मन में ही रह जाती है, वो हम किसी से भी नहीं कह पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण नहीं है, वो मथुरा चले गए हैं, तो अब ब्रज में ऐसा कोई मित्र नहीं है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही, अर्थात अगर हम कहिए जाए यानी कि कहना भी चाहे कौन पे ऊधो तो किससे कहें, कौन पे यानी कि किससे, कि हे उद्धव अगर हम अपने मन की बात अगर किसी से कहना भी चाहें तो हम किससे कहें, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे मन की बात को समझ पाए, ना ही परत कही, और इसीलिए वो जो हमारी मन की बात है वो किसी से कही ही नहीं जाती है, हम कहते ही नहीं बन पाती है। आगे हम बात करते हैं अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अवधि का मतलब होता है यहाँ पे समय, आधार का मतलब होता है आधार या सहारा, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। तो यहाँ पे क्योंकि श्री कृष्ण जो है जब गए थे तब जो है वो गोपियों से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, उन्होंने एक अवधि यानी एक समय उनको दिया था कि वो इस समय तक वापस आ जाएंगे, तो जो वो अवधि है वो अवधि भी अब समाप्त हो गई है। समाप्त क्यों हो गई है? क्योंकि उद्धव जो है योग संदेश लेकर आए हैं श्री कृष्ण का, और उसमें वो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएं, श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे, तो इसी कारण से उनके जो आने की जो अवधि है, जो समय है, वो भी समाप्त हो चुका है, उनके आने की जो आशा है वो समाप्त हो चुकी है। आधार आधार मतलब सहारा, जो श्री कृष्ण एकमात्र सहारा थे जो उनका, अब वो भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे गोपियां यही कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे उन्होंने वादा किया था, और जब तक उद्धव तुम यहाँ पे हमारे लिए योग संदेश नहीं लेके आए थे तब तक हमारे मन के अंदर एक आशा थी श्री कृष्ण के आने की, और उसी आशा के सहारे हमने जो है तन मन बिथा सही, हमने अपने तन और अपने मन की जो पीड़ा है, जो श्री कृष्ण से बिछुड़ने का जो कष्ट है, उसको हम सहन करते रहे। सही मतलब सहन करते रहे, बिथा मतलब पीड़ा, तो हमारे तन और मन की जो पीड़ा है उसको हमने इसी कारण से सहन किया क्योंकि उनके आने की एक आशा थी, लेकिन अब वो आशा भी समाप्त हो गई है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि आप ये जो योग संदेश हमें दे रहे हैं, योग संदेश की बातें जो आप हमें बता रहे हैं, तो इस योग संदेश को सुन सुन कर बिरहिनी विरह दही, यानी विरहिनी उन्होंने अपने आप को बताया है, और विरह मतलब होता है बिछुड़ने का दुख। तो गोपियां यहाँ पे ये कहती हैं कि अब इस योग संदेश को सुन सुन करके हमारे मन की जो विरह रूपी यानी बिछुड़ने की जो एक अग्नि है, विरह रूपी जो अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो और ज्यादा बढ़ चुका है। तो आगे बात आती है यहाँ पे कि चाहती हूँ ती गुहारी जितें ते उतते धार बही। अब वो यहाँ पे ये कह रही है कि हमारे जो रक्षक हैं श्री कृष्ण, अब जब उनको हम अपनी रक्षा के लिए जब हम पुकारना भी चाहते हैं, तो वो यहाँ पे यही कह रही है कि चाहती हूँ ती गुहारी, गुहारी मतलब पुकारना, तो अगर हम चाहें, गुहारी मतलब पुकार करके बुलाना, तो अगर हम श्री कृष्ण को गुहार लगा करके यानी कि अगर हम उनको पुकारें अपनी रक्षा के लिए, तो भी
जिधर से भी हम उनको पुकारते हैं, जहां से भी हम आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए, उत्ते यानी वहीं से धार बही, धार मतलब योग संदेश रूपी जो धारा है वो हमें बहती हुई दिखाई दे रही है, योग संदेश ही योग संदेश हमें सुनाई दे रहा है। फिर आगे वो कहते हैं यहाँ पे, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ने लही। सूरदास यहाँ पे कहते हैं कि गोपियां उद्धव से ये कहती हैं कि अब धीर धरें क्यों, धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब धारण करना, कि अब जो है हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है अपनी प्रेम की जो मर्यादा है उसको तोड़ दिया है, तो अब हम भी जो है धैर्य धारण क्यों करें। अर्थात गोपियां यहाँ पे कहती हैं कि श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी, श्री कृष्ण ने जो हमसे वादे किए थे आने के, तो हमारे मन के अंदर एक आशा थी, और उसी आशा के कारण हमने जो है अभी तक अपनी जो पीड़ा है उनसे बिछुड़ने की उसको हमने सहन किया और सहा, लेकिन अब क्योंकि वो जो है आशा समाप्त हो गई है, श्री कृष्ण ने हमारी जो प्रेम की जो मर्यादा है उसको तोड़ा है, और इसी कारण से अब हम भी धैर्य धारण क्यों करें। तो मर्यादा न लही का मतलब है मर्यादा क्यों धारण कर, मर्यादा को एक तरह से तोड़ना, मर्यादा न लही यानी कि मर्यादा उनको नहीं रही है, श्री कृष्ण ने जो है प्रेम की मर्यादा उसको तोड़ा है। और प्रेम की मर्यादा यही होती है कि जो गोपियां और श्री कृष्ण जिनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना थी, तो वो जो उन्होंने वादे किए थे श्री कृष्ण ने वो उनको निभाए, लेकिन उन वादों को तोड़ करके उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है, तो इसलिए अब हम भी जो है धैर्य धारण क्यों करें। तो इस तरह से गोपियां जो है यहाँ पे उद्धव से प्रश्न करती हैं। अब यहाँ पे शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो माझ मतलब में, अवधि मतलब समय, विरह मतलब वियोग, वियोग मतलब होता है बिछुड़ना, कि जिस तरह से श्रृंगार रस में हमने बात की थी संयोग और वियोग की, तो संयोग और वियोग दोनों ही भाव यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम के कारण यहाँ पे बिछुड़ करके और उनसे दूर हो गई हैं, तो यहाँ पे वियोग यानी कि दूर होना बिछुड़ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गुहारी यानी कि रक्षा के लिए पुकारना, धार मतलब योग की धारा, धीर मतलब धैर्य, मर्यादा मतलब मर्यादा, और आधार मतलब सहारा, और बिथा मतलब पीड़ा। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं इनके काव्यांश के, नंबर 2 का जो काव्यांश है उसके शब्दार्थ हैं, जिनके माध्यम से हम काव्यांश जो 2 है उसका भावार्थ अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न यहाँ पे जो है बनते हैं कि गोपियां ऐसा क्यों कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह जाती है, तो ये भी एक प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप दे सकते हैं कि वो इसीलिए ऐसा कहती है क्योंकि श्री कृष्ण अब जो है ब्रज में नहीं है, वो मथुरा चले गए हैं, तो उनके यहाँ न होने के कारण गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हमारे मित्र थे, जिनसे हमारी बहुत ही अच्छी मित्रता थी, जिनसे हम अपने मन की बात करते थे, तो वो यहाँ पे नहीं है, और उनके अलावा उनके सिवा हमारा यहाँ पे कोई और मित्र नहीं है जिनसे हम अपने मन की बात कह सकें, तो इसी कारण से गोपियां ये कहती हैं कि हमारी मन की बात मन में ही रह जाती है। अब आगे बात आती है यहाँ पे कि गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण के आने की जो आशा है वो समाप्त हो गई है, तो वो उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि उद्धव जो है जब योग संदेश लेकर के आए, तो उनके आने की जो आशा है उसके योग संदेश के देने के साथ ही, उद्धव द्वारा योग संदेश देने के साथ ही उनके आने की आशा भी समाप्त हो गई, तो इसीलिए जो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के जो आने की आशा समाप्त होने के बाद में जो है उनके आने की जो अवधि है वो समय बीत जाने के बाद में जो है वो गोपियां भी कहती हैं कि अब जो है हम उनकी आशा को समाप्त होने के कारण अब हम जो है धैर्य धारण क्यों करें। एक और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मर्यादा नय लही का क्या अर्थ है और गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है। तो मर्यादा नय लही का मतलब है कि मर्यादा नय रहना, और यहाँ बात की जा रही है प्रेम की मर्यादा, और प्रेम की मर्यादा की अगर हम बात करें इस काव्यांश के अनुसार, तो प्रेम की मर्यादा यही होती है कि जो प्रेम करने वाले होते हैं वो दोनों जो है एक दूसरे से किए हुए अपने वादों को निभाएं, लेकिन गोपियों द्वारा जब ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ी है, तो उसका अर्थ यही होता है कि गोपियों से जो किए हुए जो वादे हैं वो श्री कृष्ण ने तोड़ दिए हैं, उनसे जो वादे किए थे वापस आने के वो उन्होंने तोड़ दिए हैं, और इसी कारण से गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है। अब हम बात करेंगे आगे पद नंबर 3 और
चार के बारे में।